हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, सुबह का टाइम था और बच्चे चले गए थे स्कूल, और बच्चों का टिफ़िन तो बन चुका था, बच्चे लेके भी चले गए थे स्कूल में। और बच्चों के टिफ़िन के लिए मैं सादी रोटियां बनाती हूँ, गेहूं की रोटियां, और हमारे लिए ना ये बाजरे की रोटी बनाती हूँ। मतलब ये बाजरे की नहीं है, पूरी बाजरे की नहीं है एक्चुअली, तो ये मैंने मिक्स पीस के लाए थे। इसमें है नाचनी, बाजरी, ज्वारी और थोड़ी सी उड़द भी डाली थी मैंने, इस तरह से इसमें पीस के लाया था मैंने। और मतलब इसमें ना सर्दी के मौसम में ये वाली जो रोटी है वो खाना बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए, तो इसी वजह से हम लोग ना यही खा रहे हैं। बट बच्चों के टिफ़िन में नहीं दिया जाता है, तो इसी वजह से बच्चों के टिफ़िन में सादी जो रोटी है, मतलब गेहूं की रोटी, वो दे देती हूँ। और यहाँ पर मैं अपने लिए और इनके लिए फिर बाद में ये वाली बाजरे की रोटी बना लेती हूँ, मतलब मिक्स रोटी ये वाली बना लेती हूँ। और इसको ना अच्छे से, जब तक आप मतलब जो आटा है वो अच्छे से जब तक नहीं गूंथते हो, तब तक वो उसकी रोटी अच्छी नहीं बनती है, मतलब टूट जाती है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर जो आटा है वो बहुत ही अच्छे से गूंथ लेती हूँ। और इस आटे को ना गर्म पानी वगैरह से गूंदने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि मिक्स है, तो और उसमें उड़द भी ऐड किया है, थोड़ा चिकनावट होती है उसमें ही, तो इसी वजह से वो जो आटा है वो मैं सादे पानी से ही, मतलब ठंडे पानी से ही गूंदती हूँ और इस तरह से रोटियां बना लेती हूँ। तो इसकी रोटियां काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है इस टाइम में खाने के लिए। और इस रोटी को साग वगैरह के साथ खाओ और अचार मिल जाए साथ में, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है खाने में। और इस मौसम में तो वैसे भी खाना ज़्यादा जाता है, पानी कम जाता है, तो मोटापा तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है इस मौसम में, क्योंकि पानी बहुत कम जाना काफ़ी ज़्यादा जाता है। मतलब खाना आप देखते होंगे कि इस मौसम में भूख बहुत ज़्यादा लगती है, भूख बढ़ भी जाती है, तो इसी वजह से ऐसे वाली रोटियाँ खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये वाली रोटी से ज़्यादा वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं, फैट वगैरह का टेंशन नहीं रहता है। तो इस तरह से अगर रोटियां बनाते हो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी रहती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छी होती है ये वाली रोटी। वैसे भी गेहूं वाली रोटी हेल्थ के लिए इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी बाजरे की रोटी या ज्वारी की रोटी अच्छी रहती है। पहले के ज़माने में आपने सुना होगा कि ज्वारी की रोटी ही खाते थे डेली, तो उनकी सेहत कितनी ज़्यादा अच्छी रहती थी। और अभी हम लोग ये गेहूं की रोटियाँ खाने लगे, और वो भी उस पर फवारे वगैरह मारते हैं, मतलब केमिकल वगैरह रहता है, तो इसी वजह से वो सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो रहा है, इसी वजह से सारी बीमारियाँ हो रही है। और वैसे भी आपको आजकल कोई भी चीज़ प्योर नहीं मिल रही है पहले ज़माने की जैसे। फ्रूट्स भी खाने जाओ तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐड किया ही होता है, मतलब जैसे एप्पल वगैरह के बारे में मैंने पिछली बार, किसी ने मुझे बोला था कि एप्पल के, मतलब एप्पल के छिलके वगैरह निकाल के मत खाया करो, बट छिलकों में ही प्रोटीन वगैरह जो विटामिन वगैरह रहता है तो वो छिलकों में ही रहता है। आई नो डियर, छिलकों में ही विटामिन रहता है, बट क्या करें, आजकल चीज़ें ऐसी मिल रही है, मतलब एप्पल पे ही भी आपने देखा होगा या वायरल वीडियो वगैरह देखे होंगे आपने, एप्पल पे भी वो मोम का पानी वगैरह लगाया जाता है चमकाने के लिए, मतलब अगर आप मॉल से वगैरह एप्पल खरीदते हो तो आपने देखा कि कितने ज़्यादा चमकते हैं एप्पल, और ओरिजिनल एप्पल इतने ज़्यादा नहीं चमकते हैं, तो उस पर मोम का पानी वगैरह लगाया होता है और वो हमारे सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। तो इसी वजह से मैं ये वो टालती हूँ थोड़ा सा, मतलब उसके छिलके वगैरह निकालती हूँ और उसके बाद वो खाना प्रिपेयर करती हूँ, तो इस तरह से। और हाँ, वैसे हमें अपने नहीं तो अपने बच्चों का तो ध्यान रखना ही पड़ता है, मतलब बच्चों को जल्दी ही रिएक्शन हो जाता है किसी भी चीज़ का, और हमें पता भी नहीं चलता है कि क्या चीज़ हुई है उनके साथ और क्या प्रॉब्लम हुआ है उनके साथ, और जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल वगैरह लेके जाना पड़ता है फिर, और हमें पता भी नहीं होता है, और डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ फूड का रिएक्शन हुआ है या कुछ, पिछली बार ऐसे ही हुआ था अद्विक के साथ, और फिर डॉक्टर ने बोला था कि फूड का रिएक्शन हुआ है करके, मैंने आपसे शेयर भी किया था। और यहाँ पर मेरी सब्जी जो पहले ही बनाई हुई थी तो उसे मैंने सिर्फ रीहीट कर लिया, माइक्रोवेव कर लिया, और बस यहाँ पर मेरा सारा, मतलब खाना तो बन चुका है, बस अभी क्लीनिंग कर लूँगी और फिर खाने बैठ जाएंगे हम लोग, क्योंकि हम अगर मैं पहले क्लीनिंग नहीं करती हूँ और खाने के बाद अगर क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा जान पे आता है, मतलब सारा साफ़ वगैरह दिखता है ना, तो उसके बाद खाने का मतलब मन करता है, नहीं तो फिर वही टेंशन रहता है कि यार क्लीन नहीं है, क्लीन नहीं है, वही करना है बाद में, तो इसी वजह से मैं सारा क्लीन वगैरह करके फिर अपना खाने के लिए बैठ जाती हूँ आराम से, फिर टेंशन फ्री होके खाने के लिए बैठती हूँ, नहीं तो फिर मेरा टेंशन वैसा ही रहता है कि क्लीन करना है करके। तो यहाँ पर मैं सारा जो गैस का स्लैब है वो क्लीन कर लूँगी। और मेरा अगर किचन क्लीनिंग रूटीन अगर आपने नहीं देखा है, नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन, ये तो डे का है, ये थोड़ा सा ही है, बट नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ चेक कर लेना, उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है,
तो किचन ऑलरेडी क्लीन ही रहती है, हमेशा हमेशा मैं क्लीन करती रहती हूँ, बट फिर भी तो खाना बनाने के बाद तो हो ही जाता है थोड़ा सा, मतलब जो आटा वाटा है वो गिर जाता है और फिर उसे क्लीन तो करना ही पड़ता है, तो उसे क्लीन करने के चक्कर में पूरा गैस का स्लैब ही क्लीन हो जाता है। और अच्छा है, जितना क्लीन करो उतना अच्छा दिखता है उल्टा। तो बस यहाँ पर सारी क्लीनिंग हो जाएगी, उसके बाद मैं खाना खा लूँगी, हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि ये भी आ गए थे ड्यूटी से, क्योंकि ये वाली रोटी गर्म ही अच्छी लगती है। काफ़ी लोगों को ठंडी वाली रोटी पसंद है, बट हमें मतलब मुझे स्पेशली ये वाली रोटी गर्म पसंद है, इसी वजह से मैं गर्म बनाती हूँ। अभी हो गया है शाम के 7 बज रहे हैं और आज ना काफ़ी अच्छे से नींद हुई पूरी, आज हम लोग सो गए थे, कितने दिनों से नींद ही पूरी नहीं हो रही थी, इसी वजह से आज दोपहर में सोई तो दोपहर में अच्छे से नींद हुई पूरी। और यहाँ पर है माही, पढ़ाई कर रही है तो अभी ना हम लोग जा रहे हैं चेयर लेने, वही चेयर जो आपने उस दिन देखी थी और हमने लेके नहीं आए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी शॉप जो है वो संडे के दिन बंद रहता है, तो इस वजह से आज मंडे है और आज शॉप ओपन रहेगा, तो हमने सोचा चलो जाके आ जाते हैं। दोपहर में ही जाने वाला था एक्चुअली, बट दोपहर में नींद इतनी आ रही थी, ये बोल रहे थे सो जाओ, वैसे भी नींद पूरी नहीं होती है, उनकी भी नहीं होती है बच्चों की वजह से और मेरी भी नहीं होती है, तो उनका उनके ड्यूटी की वजह से नहीं होती है और मेरा मेरी ड्यूटी की वजह से नहीं होती है, तो हम लोग दोनों भी और बच्चे भी आज सो गए अच्छे से। नहीं, अद्विक अगर सोता नहीं है, परेशान करता है, तो किसी को लेके बैठना पड़ता है, एक जन सोता है और एक मतलब उसको लेके खिलाता है, तो इसी वजह से आज अद्विक भी सो गया था, माही भी सो गई थी। वैसे माही बहुत कम सोती है दोपहर में स्कूल से आने के बाद, उसको पता नहीं नींद नहीं आती है तो आज सो गई थी मैं ही, और अभी उठी है तो उसको सडनली याद आया कि हमें होमवर्क भी करना है क्योंकि सो गई थी इसी वजह से दोपहर में होमवर्क नहीं किया था इसने, तो अभी होमवर्क करने बैठ गई है, तो हम लोग फिर इसका होमवर्क भी खत्म हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। और अद्विक अभी भी उठा नहीं है, अद्विक सोया ही है, हम लोगों ने चाय वगैरह पी है अभी, तो अद्विक अभी भी सोया ही है, तो अभी अद्विक थोड़ी देर में उठ जाएगा, जब अद्विक उठ जाएगा और माही का होमवर्क हो जाएगा तब हम लोग साथ में बच्चों को भी घुमाने लेके जाएंगे, और हमारा मतलब वो चेयर भी लाएंगे और बच्चों का भी घूमना हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो मूड भी फ्रेश हो जाएगा इनका। और मुझे जाना है हल्दी कुमकुम के लिए, तो जाके आ जाती हूँ पहले, अभी कुछ दिन हल्दी कुमकुम ही रहेगा, तो इसी वजह से किसी ना किसी का तो बुलावा आ ही जाता है हल्दी कुमकुम के लिए कॉलोनी का। और कल तो बहुत सारे हल्दी कुमकुम थे, बट यहाँ पर मैं नहीं थी तो जा ही नहीं पाई, सभी को कॉल आए थे वहाँ पे हाँ कि आओ करके, बट घर को लॉक था इसी वजह से सब कॉल कर रहे थे, बट मेरा जाना ही नहीं हुआ, तो आज जाके आ जाती हूँ और थोड़ी देर में इनका भी हो जाएगा, तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। चलो चलो आ जाओ आप पीछे से। लॉक लगा तुझा शू लवकर निघतो म्हणून बरं झालं। हाँ अद्विक एक खरगोश, अद्विक मम्मा का पकड़ देखो, एक खरगोश इधर देखो, अद्विक अद्विक का मूड ठीक नहीं है। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बढ़िया सोफा है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया, और आप बोल रहे थे ना कि दिखाओ करके, तो इसी वजह से मैंने दिखाया, और वो कॉस्ट पूछी थी तो 50,000 का बोल रहे थे। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे सोफ़े भी थे अंदर, और मतलब जो आपको मैंने बताया था कि जो सेट है दीवान सेट और वो सारा सेट ये है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे, और मतलब इसकी फिनिशिंग ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, और जो कलर वगैरह है वो भी बहुत ही पसंद आया। 1,20,000, 1,30,000 ऐसे मतलब 1.5 लाख तक जा सकते थे, मतलब वो जो सेट है वो पूरा। सेट में क्या क्या आएगा वो भी बता देती हूँ, सेट में आएगा ये किंग साइज़ बेड और उसके साइड टेबल दो, और मतलब उससे ही मैचिंग कबर्ड, मतलब पूरा दोनों का हस्बैंड वाइफ का, और उसके बाद आएगा एक ड्रेसिंग टेबल, मतलब जो बेडरूम का फर्नीचर है वो पूरा, तो वही आएगा उसमें, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे गाइज, मतलब क्या बताऊँ आपको।
और लास्ट में ना मैं आपको शॉप का नाम भी दिखा दूँगी, क्या शॉप का नाम है, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि शॉप का नाम दिखाया करो, मतलब बताया करो, तो मैं आपको दिखा दूँगी वो जो शॉप का नाम है, और क्योंकि जो अमरावती से है या अमरावती के आसपास से है तो वो यहाँ पर आके विज़िट कर सकते हैं, तो इसी वजह से मैं आपको शॉप का नाम दिखा दूँगी। और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया यहाँ का फर्नीचर, और यहाँ पर टीवी यूनिट भी था, काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मुझे, बट यहाँ हम लोग नहीं ले सकते थे क्योंकि हमारे जो मतलब लिविंग रूम है, लिविंग रूम में सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों के नीचे नहीं आएगा ये वाला टीवी यूनिट, इसी वजह से हम लोग नहीं ले पाएंगे, इसे हमें बनवाना ही पड़ेगा। अद्वी अद्वी कॉस्ट कितनी है पूछो और इसकी। अरे मी क्या म्हणते कॉस्ट विचारा बरं याला, याची 17,000 17,000 फर्निचर मॉल हां याचं हे नाही दिसत आहे यांचं। चलो पाणी पुरी खाने। ओके मॅम। तो सेट आवडला यार खूप। यहाँ पर जैसे ही घर पे आए तो अद्वी का नाटक करना स्टार्ट हो गया, और वहाँ पर देखिए गाड़ी में बिल्कुल सो गया था, मतलब ऐसे नाटक कर रहा था कि मैं सो गया हूँ जैसे, और यहाँ पर चेयर निकल रही है मेरी, तो ये मेरी वीडियो के लिए चेयर ली है, और आपको कैसी लगी ज़रूर बताना मुझे। और हाँ यहाँ पर देखो अद्विक दिखना अभी बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा है, और श्रीकांत ने उठा के लाया था उसे, ये ना बहुत ही ज़्यादा नाटक करता है, बहुत शैतानी करता है और सारे काम करवा रहता है सबसे, और देखिए सारा मतलब श्रीकांत उसके जूते तक निकाल रहा है और आराम से पड़ा है जैसे कि ऐसे लग रहा है कि सो गया है, और इतने नाटक करता है कि बस रे बस, और फिर बाद में उठ जाएगा, और जैसे ही माही वगैरह चेयर पे बैठने लगेंगे, श्रीकांत वगैरह चेयर पे बैठने लगेंगे, फिर बाद में उठने लगेंगे। सभी लोग बैठ बैठ के टेस्ट ले रहे थे चेयर का, और ये जो चेयर है वो मतलब इसका जो जाक है वो दबाने से ये जो चेयर है वो ऊपर आ जाती है, ये वाली चेयर एक्चुअली बार चेयर बोलते हैं इसे, बट ये चेयर सलून वगैरह में भी यूज़ होती है, और मैंने अपने वीडियोज़ के लिए ली है। तो यहाँ पर अद्विक देखो कितनी मस्ती कर रहा है, अभी तुरंत उठ गया है और मस्ती चल रही है उसकी, अभी देखो श्रीकांत जैसे ही नीचे जाग जब आएगा वो नीचे चला आएगा, और अभी उठेगा तो वैसे होता है वो मतलब ऊपर आ जाता है दबाने से, और फिर जैसे ही दबाते हैं तो नीचे और घूमती है पूरी, तो इस तरह से मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना मुझे। और अद्विक तो छोड़ ही नहीं रहा था, जब चेयर घर पर आई तो अद्विक छोड़ ही नहीं रहा था, आधा एक घंटा तो वो चेयर पर ही बैठा रहा, और फिर उसके बाद वहाँ पर ही उसने खाना खाया, चेयर पे ही खाना खाया, और उसके बाद फिर उठा वो।
अद्विक क्या कर रहे हो? मैं फुग्गा छोड़ रहा था। फुग्गा उसका उड़ाने का ब्रेड रखने के बाकी है। मैंने ना उसको उधर छुपा के रखा है। क्या उधर छुपा के रखा है? कहाँ? उसके ऊपर। अच्छा अभी बलून फुलाएगा अद्विक। हाँ फुला। ओहो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है अद्विक को। मुझे नहीं मजा आ रहा देख के इसको। मैं पूरा पानी गिरा रहा था वो ये। अद्विक पूरा मुझे साफ करना पड़ेगा। चलिए फिर गाइस, अब लेट हो चुका है और अभी सोते हैं। मुझे स्किन केयर भी करना है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।